हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये जो वीडियो है हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल चीज के लिए, जो कि है मेरा होम स्टूडियो। बहुत टाइम से, करीबन बचपन से ही मैं गाना तो गा ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा सिंगर हैं। और लकीली आज के दिन पे मेरे पापा दिल्ली से मुंबई भी आ रखे हैं, सो उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना अभिलाष के लिए एक घर पे होम स्टूडियो क्रिएट किया जाए, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल सिंगिंग, मतलब बेसिक सिंगिंग को प्रोफेशनल लेवल तक और अच्छे से लेकर जाए। अभी हम जाने वाले हैं एक शॉप पर, जहाँ से अभी हम खरीदने वाले हैं मेरा माइक, साउंड कार्ड, हेडफोन्स, मॉनिटर, स्पीकर्स, बहुत सारी चीज़ें लेने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या आता है। ये डैड का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, और इसमें मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली हम जो भी चीज़ें करते हैं एकदम जॉइंटली करते हैं, सब कुछ मिक्स मैच करके करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हम लेने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अमेजिंग मैं आपके लिए गाने गाने वाला हूँ। पापा पता नहीं कहाँ चले गए। ओहो, ये देखिए पापा बन रहे हैं हीरो। पिछली बार पापा आए थे, पापा ने मुझे स्कूटी दिलाई थी, जो लेना है 7 बजे तक। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर 7 बजे से पहले हमने शॉपिंग नहीं करी तो शॉपिंग हो जाएगी कैंसिल, ऐसे पापा कह रहे हैं। तो अभी हमारे पास इतना खुला ऑप्शन है, अभी हमारे पास लेकिन 1 घंटा है, 1 घंटे में हम तो पूरी दुनिया खरीद सकते हैं गाइस। तो ये जो हम व्लॉग शूट कर रहे हैं मेरे फेवरेट गैजेट निकॉन Z30 पे। आप देख सकते हैं इतना अमेजिंग कैमरा है ना ये। ये देखिए, ऐसे करके इसकी स्क्रीन भी फ्लिप हो जाती है और मैं ऐसे करके अपने आप को भी देख सकता हूँ। सो वेरी हैंडी एंड वेरी नाइस क्वालिटी। पापा हैं, सिस्टर हैं, और यश आ रही है रास्ते में, वो रास्ते में हमें मिलेगी। लिफ्ट बंद होने वाली थी, बच गए। आ जाओ पापा, जल्दी आ जाओ, जल्दी चलते हैं। यश जो है वो हाईवे तक आ गई है, उसको हमें हाईवे से पिक करना है और हमें हाफ वे खुद पहुंचना है। तो लेट्स मेक इट फास्ट, भागो भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। इसका वाइपर कर दो नीचे। नोबडी कैन बीट मुंबई मॉनसून एंड मुंबई ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक जाम है यार। हमें जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से है तो 30-35 किलोमीटर, पर वहाँ जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना मुंबई टू दिल्ली की फ़्लाइट है। ट्रैफिक में वेट हो रहा है सिग्नल का रेड से ग्रीन होने का। हाय, आज अभिलाष नहीं होंगे ब्लॉग पे, आई मीन होंगे बट ही इज ड्राइविंग, ही इज माय पर्सनल ड्राइवर राइट हियर। यहाँ हम, मैं, दीदी, हम सारे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभिलाष? हम जा रहे हैं मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल जा रहे हैं अभिलाष, आज पूरा टाइम ड्राइव करने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि वो आज ये ब्लॉग में बात करने वाले हैं। It's gonna be me and Didi and sweet uncle, जो अपना खुद का ब्लॉग देख रहे हैं। The driver is in the house. Yes. किसी ने मुझे बताया नहीं था कि हम लोग टाउन जा रहे हैं। मैं मस्त में स्विमिंग के लिए वापस रेडी होके, मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम मेरे हाथ में है। She's like, मैं टाउन जा रहा हूँ, तुम आ रही हो कि नहीं? तो बोला आ रही हूँ। बीच रास्ते में वैसे कल शायद ऐसा हो सकता है कि VT से हम सीधा सीधा पुणे चले गए। पुणे से महाबलेश्वर, ये सपना देख लिया, सपना सच होता है मेरा। मैं बोल रही थी कि जीजू जिन्होंने अपना सोलो प्लान बनाया था, कहाँ जाने का? बिहार। उनका प्लान कैंसिल हो चुका है। ही इज गोना बी विद अस। आई थिंक वी ऑल आर गोना हैव सो मच फन नाउ। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के ये है बम्बई मेरी जान। हम बांद्रा तक पहुंच गए हैं और हमारे मैप में अभी भी कुछ 45 मिनट्स का ये ड्यूरेशन दिखा रहा है। 45 मिनट्स यहाँ से बचा है। पापा की स्माइल देखो, कुछ बोलो वीडियो में, वीडियो में कोई बोलता रहे नहीं हो आप। अभी हम लोग सीलिंग क्रॉस करेंगे ना, सीलिंग बस पहुंचने वाले हैं, टोल लगाएगा सीलिंग पहुंचने वाले हैं, मतलब तभी तो क्रॉस करेंगे। हाँ, तभी क्रॉस करेंगे। 2 महीना तो हुआ मुझे दुबई से आए हुए, ठीक 3 तारीख को दुबई से आया था, 3 जनवरी को और 3 फरवरी, 3 मार्च, 3 मार्च को मैं मुंबई के लिए निकल लिया। गलत बात है यार, नहीं खुला है, ये हटा दो, नहीं खुला है तो क्या करें बताओ। अभी हम टोल पे खड़े हुए थे और हमारा वो टोल का वो नहीं उठा, तो उसने मेरी गाड़ी देखी, दिल्ली की है, तो कहता है क्या करें सर, दिल्ली की गाड़ी है, ये क्या मतलब हुआ?
मतलब ऐसा कोई कैसे बोल सकता है कि दिल्ली की गाड़ी है तो टोल गेट मेरे लिए नहीं खुलेगा। अब मैं दूसरे गेट से जा रहा हूँ, देखिए जी ये गेट है। बैलेंस का क्या करें अंकल? बैलेंस डल गया। 45 मिनट्स लगेगा ये एक्टिवेट होने में, कैसे निकलूं मैं अब? क्या है इसमें, कैश नहीं दे सकते थे? डबल लेगा कैश लेगा। ये है हमारा सी लिंक, आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ फेस्टिवल्स पे इसको लाइट अप करते हैं, पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है उस टाइम पे। अंकल के व्लॉग को कैप्चर किया जा रहा है। यहाँ पर लोग 700-800 कारपेट ढूंढ रहे हैं कि 700 कारपेट 1000 कारपेट का 2BHK बन जाए। 5000 कारपेट यूज करके तो गुंबद सा बनाया हुआ है बाहर। अभी आने वाला सिग्नल के बाद ही है गुंबद, इस सिग्नल के बाद है। दीदी हमारी गुमसुम सी बैठी हुई है स्माइल करके राइड का मजा लेते हुए। ये देखिए अम्बानी जी का घर आने वाला है, अम्बानी जी की बेटी का। उनकी कार्स दिखाओ, ये देखो लाइन से कार्स दिखाओ, जी वैगन बोली थी ना, देखो जी वैगन दिखाओ, जी वैगन दिखाओ। ये देखिए एक हेक्टर है, ये रेंज रोवर है, जी वैगन गिनिए सर, एक ये भी कुछ है, दो जी वैगन, रेंज रोवर, फॉर्चूनर, SUV, देखो देखो जी वैगन, जी वैगन। ये रहा उनका घर, वी नीड टू शो यू द हाउस राइट। एक जी वैगन मेरा सपना है कि एक जी वैगन आ जाए और यहाँ पर गार्ड्स 6-6 जी वैगन लेके जाते हैं। मुझे लग रहा है गार्ड बनना चाहिए उनका। हम पहुँच चुके हैं हमारी शॉप पर जहाँ मुझे जाना था अपना सामान लेने। हमें करीबन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लगा है हमें यहाँ तक पहुँचने में, बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। शालू म्यूज़िक जो कि मैकडॉनल्ड्स के बगल में है, एंड सो आई विल शो यू अराउंड द शॉप इट इज। पापा ऑलरेडी एक्साइटेड है, पापा पहले खड़े हुए हैं। ये देखिए शालू म्यूजिक, ये है हमारे ब्रदर जो हमारी मदद करने वाले हैं मेरा होम सेटअप रेडी करने में। आप अपना नाम बता दीजिए मेरे व्यूअर्स। अजय, अजय, अजय नाम है इनका, आप देख सकते हैं। Okay. एकदम इनकी दाढ़ी एकदम इतनी शार्प है, मैं भी करने सोचता हूँ अपनी बियर्ड बढ़ाता हूँ। ये मेरा आइडिया, जो जो मुझे सामान चाहिए उन्होंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। सो हम ले रहे हैं ये रोड का NT1A और हम साथ में ले रहे हैं ये स्कारलेट का 2i2 थर्ड जनरेशन साउंड इंटरफेस। पापा सोच रहे हैं। ये देखिए गाइस, इनके पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको कुछ भी म्यूजिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर सामान चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पियानोज भी हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं यहाँ पे। लास्ट डिसाइडिंग इज द स्पॉन्सर, तो आप ही हो ना, क्या करना है, क्या कहना है आपका? हलाल होना ही। वेट टू बेस्ट है ना, माइक माइक रेंज में सही है। 21 तो पहले से ही लॉन्ग लास्टिंग माइक और उसका जो रिव्यू भी है ना बहुत हाई फाइव है। ऊपर आ जाओ, साइड में अंदर ले लो, अंदर अच्छा था। यूके ले ले, मुझे गिटार बेसिक आता है, सोचा वो व्हाई नॉट ट्राई दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो। अभिलाष कैन यू प्ले हियर टू द कैमरा? इसकी कॉर्ड्स अलग होती है गिटार से क्योंकि ये फोर स्ट्रिंग है, सो इसकी अलग कॉर्ड्स हैं, मुझे भी सीखेंगे उसको भी। ये भी लिया जाए, इसको जो इलेक्ट्रिक गिटार लाया है उसके बगल में एक ये भी लगा दूंगा ना। HS5 is coming home. GA15 amp देख रहे हैं वो, he needed an amp. दस मार दो। सो यहाँ पर एक सरप्राइज हुआ, मैं बहुत टाइम से एक एम्प लेने की सोच रहा था कि अपने इलेक्ट्रिक गिटार के लिए, जो मैं हमेशा बहुत टाइम से साल से नहीं, एक अरसा हो गया, साल भी नहीं कह सकते, एक अच्छा खासा अरसा हो गया। आज आए और प्लान में था भी नहीं, भाई ने हमें ऑफर किया एक यामा का एक सबसे बेस्ट मॉडल, तो मॉडल नेम इज GA15 सेकंड जनरेशन, दिस वन। इन्होंने बोला और हमने ले लिया। मैंने ये तो प्लान में भी नहीं था, ये प्लान में भी नहीं था। इन्होंने बोला ये बेस्ट है, पापा ने बोला इसमें गिटार के लिए, पापा ने बोला ये ले लो, तो हमने क्या किया ले लिया। हमारे कैशियर सबके मेरे पास, ये देखो यही झोला होता है। मुझे ये यूके ले ले एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया है, बिकॉज़ आई केम ऑल द वे फ्रॉम अंधेरी टू मीट हिम।
बैम्बू कंपनी का है, इट्स अ वेरी नाइस कंपनी गाइस, और आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा लुक है। ये थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस यूकेलेले। सो मुझे ये बजाना नहीं आता लेकिन मैं बजाना सीखने वाला हूं। हां यस, तो इसको हम बजाएंगे अच्छे से। ये देखिए पापा का क्लाइंट्स होने वाला है, अभी मेरा कार्ड भी लगने वाला है। ये लास्ट टाइम मेरे बर्थडे के टाइम पे मुझे आईफोन गिफ्ट किया था, उससे पहले उन्होंने मुझे मेरी स्कूटी गिफ्ट करी थी, और इस बार दिल्ली से आया है तो इस बार मुझे मेरा पूरा होम स्टूडियो मिल रहा है। थैंक यू पापा। माल किया जा रहा है लोड, ये गया यामाहा HS5, ये जा रहा है एम, फुल लोड करवाएंगे, सब कुछ ठीक से लोड करवाएंगे। मैंने अपने आप ब्लॉग में लिया ही नहीं है। हमारी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है यार। देखो एक एम प्लान में नहीं था, हमने वो भी लिया। अभी भाई ने हमें सजेस्ट किया कि जो हमने इतने अच्छे इतने अमेजिंग यामा के HS5 के जो हमें मॉनिटर स्पीकर्स लिए हैं उसको रखेंगे किसके ऊपर, सर पे दोनों रहेंगे। तो भाई ने हमें सजेस्ट किया स्टैंड, तो हमने स्टैंड भी ले लिया, और भाई ने हमें जो दिया है रेट वो दिया है बेस्ट रेट। तो अगेन थैंक यू सो मच, हम स्टैंड भी ले रहे हैं, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट में था उससे हमने चीजें बहुत एक्स्ट्रा लेनी है। आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सो यू नो वेयर टू कम। कहाँ पर है जगह? शालू म्यूजिक, वो भी कहाँ पर? मैकडॉनल्ड्स के बगल में और CST के एकदम सामने। गूगल पे डालो शालू म्यूजिक, सब आ जाता है। ठीक है, CST वाला। सो थैंक यू सो मच पापा। अरे थैंक यू। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। इन्होंने इन लोगों का मन है इनको मैकडॉनल्ड्स खाना है। अब घूमते घूमते ये लोग आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स, तो गाइस चलते हैं हम भी मैकडॉनल्ड्स। बहुत खाना खा लिया हमने मैकडॉनल्ड्स में। मैकडॉनल्ड्स में खाने के बाद शॉपिंग टाइम हो चुका है। रिंग ली है मेरी, ब्लैक रिंग हो गई थी, मैंने एक रिंग ली है। कितने कवर लेने हैं तुझे? 100। ओहो, भर के हमने भाई अपना होम स्टूडियो का सेटअप खरीद लिया, मैकडॉनल्ड्स में खाना खा लिया, मैंने अंगूठी खरीद ली, इन्होंने अपने फोन कवर स्क्रीनर सब चेंज करा लिए। तो मतलब ओवरऑल हमारा ये बहुत ही प्रोडक्टिव डे रहा। सो गाइस इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करते रहिए हमारी वीडियोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा देखे ताकि हम और वीडियोज़ बनाते रहें, आपको बहुत सारी हमारी जर्नी दिखाते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye-bye.